रूस और यूक्रेन के बीच जो है महायुद्ध छिड़ चुका है, यानी ये 24 तारीख महीना 2022 ये सदा जो है याद रहेगा ये दिन, क्योंकि 24 तारीख से जो है रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़ चुका फिर से, और इस युद्ध जो है पूरे विश्व पर छाने वाला है, क्योंकि ये युद्ध जो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, यह सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच ही नहीं रहेगा, यह पूरे दुनिया में जो है फैल सकता है, और इससे जो इस युद्ध से जो है आर्थिक संकट भी उत्पन्न होने वाला है, और आर्थिक संकट में यह है कि पूरी जो है देश जो है रूस पर ही निर्भर है तेल में, तेल के मामला में, और जब युद्ध शुरू हो रहा है या हो गया तो अब तेल जो यहां से आएगा नहीं, और तेल की जो जो देश में जो भंडार है वो मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, इसका जो है अधिक उपयोग हो रहा है और इसका मूल्य अधिक हो रहा है, इससे जनता भी परेशान होने वाला है, और देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है इससे पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट छाने वाला है। सबसे पहले तो कोरोना महामारी आकर के पूरे विश्व को जो है प्रभावित किया, कोरोना महामारी पूरे विश्व को प्रभावित किया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है वह पीछे धकेल दिया, यानी कई हजारों वर्ष पीछे धकेल दिया कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि ये जो है रूस और यूक्रेन के बीच महाविनाशकारी युद्ध शुरुआत हो चुका है, यह युद्ध जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को और पीछे धकेल देगा, क्योंकि यह युद्ध जो है बहुत ही विनाशकारी युद्ध होने वाला है जो रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध हो रहा है, यह युद्ध पूरी दुनिया को तबाही कर सकता है, इससे पूरी दुनिया जो है पूरे विश्व जो है दो भागों में बट सकती है, और अमेरिका साफ तौर पर कह दिया है, अमेरिका साफ तौर पर कह दिया है कि जो देश भी रूस को साथ देगा, जो देश भी रूस को साथ देगा उस देश पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी महायुद्ध चल रहा है उसमें रूस का ही गलती था, और उससे ये हिसाब मांग रहा है अमेरिका, परंतु रूस जो है एक तानाशाही देश अभी बन चुका है, वह किसी को बात सुनता ही नहीं है, पूरे जोश जुनून के साथ जो है ये अभी यूक्रेन पर बम बारूद से हमला कर रहे हैं, कितने मिसाइल गिरा दिए अभी की, मतलब जो है आज सुबह की घटना है कि 137 लोगों की मृत्यु होने की खबर आई थी, आज 25 तारीख को 135 लोगों की मृत्यु होने की खबर आई थी, ये रूस के हमलेवार में जो यूक्रेन की लोगों ने अपनी जान गवा दी, इसमें निर्दोष लोग भी जान गवा दिया, क्योंकि शांतिपूर्ण जो यहाँ पर शहर था उस पर भी जो है बम बारूद गिराया गया, कितने मिसाइल जो है गिरा दिया गया, इसीलिए जो है अमेरिका साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो भी देश रूस को साथ देगा उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, और रूस को तो प्रतिबंध लगाना है ही, और इससे जो है विश्व पूरे दो भागों में बढ़ सकती है, और इसलिए बढ़ सकती है कि इधर से जो है रूस और इधर से है यूक्रेन, और दोनों में जो आपसी युद्ध हो रहे हैं तो रूस को भी जो है बहुत से सहयोगी देश है और यूक्रेन को भी सहयोगी देश है, यानी रूस भी जो है बहुत से देशों के साथ मित्रता किए हुए है, तो यूक्रेन भी बहुत से देशों के साथ मित्रता किए हुए है, और जब ये युद्ध बहुत आगे बढ़ जाएगा तो रूस जो है अपने सहयोगी देशों से सहायता मांगेगा, अगर रूस सहायता मांगते हैं तो यूक्रेन भी पीछे नहीं हटने वाला है, और यूक्रेन भी जो है अपने सहयोगी देशों से सहायता मांगेगा, और हो सकता है रूस में अगर पांच दस देश भी मिल गया और यूक्रेन में भी मिल गया तो इतना बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होगा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी अधिक घातक होगा, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो मतलब बम या मिसाइल का प्रयोग नहीं किया गया था उससे अधिक बम मिसाइल रासायनिक हथियार का प्रयोग इस युद्ध में होने वाला है, इसलिए इस युद्ध को जो है बहुत ही जल्द खत्म करना चाहिए, पूरे देश को मिलकर के उस पर शांति बर्ताव करना चाहिए, इसमें भारत भी पीछे नहीं रहा है, आज जो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह जो है रूस से बात किया और कहा इससे जो है पूरी दुनिया आर्थिक संकट में आ सकती है, आप इस युद्ध को शांतिपूर्ण रूप से खत्म कर दीजिए, समझौता कर लीजिए, और अपने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह कहा रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कि हमारे यहाँ के छात्र
जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं उसको जो है सही सलामत निकाल करके हमारे देश भेज दीजिए। तो उस पर कहा ठीक है, उस पर हम विचार करते हैं। और ये लगता है कि रूस की जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वह बात जो है प्रधानमंत्री की बात मानने वाला है। और यहाँ से पूर्ण रूप से सभी छात्र को जो है सुरक्षित भारत वापस कर दिया जाएगा, इसके लिए समझौता हो चुका है। और ये युद्ध जो है पूरी दुनिया में फैलने वाला है। और रूस जो है अभी यूक्रेन में हमला इतना कर रहा है कि यूक्रेन जो है फिर से एक बार अफगानिस्तान बनने वाला है, क्योंकि 1992 में जो है रूस और अफगानिस्तान में जो है प्रवेश कर चुका था। 1992 में रूस जो है अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुका था, परंतु वहां से उसको निराश होकर के लौटना पड़ा, कोई यहाँ पर जो है उसको सफलता नहीं मिली। वही इस युद्ध में भी होने वाला है, रूस तो उसमें चला जाएगा यूक्रेन में, यहाँ पर फंसेगा और यहाँ से उसको हो सकता है तो निराश होकर के ही लौटना पड़े। परंतु क्या करें, ये पूरी दुनिया में जो पूरे विश्व में जो है रूस अभी सबसे ताकतवर देश है, वो किसी के बात मान ही नहीं रहा और पूरे जोश और जुनून के साथ जो है वो हमला पर हमला कर रहे हैं। और मतलब कल से युद्ध शुरू हुआ है और आज तक में जो है बहुत से लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। अब ये देखना है कि ये युद्ध कब तक चलता है। और सभी का ये कोशिश करना चाहिए, सभी देश को जो है ये कोशिश करना चाहिए कि आपस में बैठक करके इस युद्ध को जो है बहुत ही जल्द खत्म कर देना चाहिए, आपसी समझौता कर लेना चाहिए। चाहे जो भी विवाद के लिए ये युद्ध चालू हुआ हो, इस युद्ध को तुरंत ही स्थगित करना चाहिए, नहीं तो इससे पूरी दुनिया जो है आर्थिक संकट में आ सकती है। हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, फिर हम मिलेंगे बहुत ही जस्ट अगले वीडियो में हम लेकर के आते हैं। देखते हैं अब नया खबर क्या आ रहे हैं, फिर हम नए खबर के साथ हम आते हैं।